हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड को आपको 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका है, वो सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है, यानी कि दोनों वीडियो को आपको सेंटर में कर देना है। अब इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन वीडियो को रिमूव करना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको इनेबल कर देना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब आपका वीडियो जब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको 1 से 2 बार प्ले कर कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो शूट करना है 5 से 6 सेकेंड से आसपास शूट कर लेना है। इसके बाद इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, कुछ इसी तरह से लास्ट तक लेकर आ जाना है। वीडियो को प्रेस करेंगे, आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक लेकर आना है, जहाँ तक आपका ब्लैक कलर दिख रहा है कुछ। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है। वीडियो को हमें प्रेस करना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। इसे देखना है कहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम डरने की एडिटिंग करते हैं तो कुछ यहाँ तक आपको सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट में सेंड टू बैक कर देंगे। इसके बाद इस वीडियो को जहाँ से आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, जैसे कि 5:3 पे आना है, इस वीडियो को प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देना है। अब आपका जब वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आपका जो वीडियो है उस वीडियो को साउंड को आपको सिंपल सा म्यूट कर देना है। तो मैंने म्यूट कर दिया हूँ। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका, उसी वीडियो का साउंड पे आप अपलोड कर देना है। यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।